हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लमसम अमाउंट, कहने का मतलब है हम एक ही बार में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और हम एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, तो आखिर हम पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा पहले निकालते हैं एक साल से, ठीक है, तो वो आ जाता है शॉर्ट टाइम में। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टाइम में पहले था कि आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता था, पर 2024 में आपको यहाँ पर 20% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, 20%, ठीक है। पर यहाँ पर और भी आपको मैं बता दूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को ये पता ना हो कि कौन से म्यूचुअल फंड पर कितना एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। कहने का मतलब है अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं तब, ठीक है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं तब, ठीक है। काफ़ी म्यूचुअल फंड में एक साल होता है, काफ़ी म्यूचुअल फंड में जैसे कि 3 मंथ या फिर 9 मंथ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि एक साल तक ही उनमें एग्जिट लोड का जो कि लिखा हुआ होता है, जैसे कि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। अब वो आपका एग्जिट लोड है, वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़े कि 1% भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है इससे कम भी हो, ठीक है, तो ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा पैसा था, हमने यहाँ पर पैसा निवेश किया था 2 लाख रुपए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 लाख। अब मान लेते हैं कि जो हमारा पैसा है वो एक साल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, जैसे कि जींस हुआ वो हुआ हमारा 38,000 रुपए का, ठीक है, 38,000 का। अब 2 लाख और 38,000 तो हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रॉफिट और जो भी आपने यहाँ पर लमसम अमाउंट ऐड की थी, ठीक है, तो वो हो जाती है यहाँ पर 2,38,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि इस पर आपको टोटल ही यानी कि पूरे पैसे पर टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, ठीक है। कहने का मतलब है 20% ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी के साथ में 1% ये, ठीक है। अब हो सकता है जो आपको रिटर्न मिला हो वो आखिर 19% मिला हो या फिर 20% मिला हो, ये आपके ऊपर, आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो मोबाइल है वो यहाँ पर उठा लिया है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है 2 लाख और 38,000 रुपये, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पर गुणा और इसी के साथ में 21% लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि 20 हमारा ये टैक्स है, यानी कि 20% हमारा ये टैक्स है और 1% हमारा ये टैक्स है, ठीक है, तो 21% हो जाता है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे और हमें यहाँ पर जो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 49,980 रुपये, ठीक है, जो कि हमें एक भारी अमाउंट यहाँ पर पे करनी पड़ेगी टैक्स के रूप में। कहने का मतलब है हमें यहाँ पर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जो कि हमें इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, और इसी वजह से हम जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो हमें ये बात को सोच समझकर अपना पैसा है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए कि आखिर हमें एक साल से पहले तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक साल से पहले की पैसे की ज़रूरत लग रही है कि हाँ पड़ेगी, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 49,000 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है, 80 रुपये। अब इसमें से आप घटाएंगे तो आपको कितना नुकसान होगा, इसका मतलब है आखिर जो हमें पैसा मिलेगा वो मिलेगा हमें 1,88,020 रुपये। कहने का मतलब है जो हमने इसमें पैसा जमा किया था वो भी हमें हमारी जमा भी नहीं मिली। तो कहने का मतलब है इसी वजह से हर कोई जो सलाह देता है वो देता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को जमा कर रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए करें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता है। कहने का मतलब है अगर आप लॉन्ग टाइम यानी कि एक साल से ऊपर पैसे को निकालते हैं तो आपको 12.5 देना पड़ता है, ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप शॉर्ट टाइम में निकालते हैं तो आपको 20 और
प्लस एग्जिट लोड देना पड़ता है, और इसके अलावा आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके विड्रॉल के पैसे जाते हैं, कुछ भी नहीं जाता है इसके अलावा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।